हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। आज क्लास में हम लिब्रियोफिस इम्प्रेस से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो आज क्लास आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप सभी का जो एग्जाम है स्टूडेंट्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी के पास अब बिल्कुल समय नहीं, ओनली वन डेज का समय आप सभी का बचा हुआ है। तो आप सभी क्लास के एंड तक बने रहिएगा। लिब्रियोफिस इम्प्रेस से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट आज क्लास में हमने शामिल किया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज की क्लास आप सभी को मिस नहीं करना है और क्लास के लास्ट तक बन रहना है। इसमें ट्रिपल सी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, तो आप सभी के क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक एड कर दिया है, जो कि 12 डेज क्रेश कोर्स में हमने सभी क्लासेज आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपने प्रीवियस क्लास को अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को आप देख सकते हैं, क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए आप सभी। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी कर रहे होंगे स्टूडेंट। और कोई भी आप सभी को डाउट होता है तो आप मेरे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा मदद किया जाएगा। किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम्स हो, किसी भी तरीके का डाउट्स आ रहा है आप सभी को एग्जाम के रिलेटेड या किसी सिलेबस के रिलेटेड एनीथिंग, तो आप सभी हमें कनेक्ट कीजिए, आप सभी को हम पूरा मदद करेंगे इसमें। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाना है कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कहता है स्टूडेंट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रियोफिस इम्प्रेस। लिब्रियोफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपका अगर एमएस ऑफिस की हम बात करें तो उसमें हम पावर पॉइंट को यूज करते हैं, लेकिन पावर पॉइंट के रिलेटेड ही आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड करके अपने अगर आपके पास पीसी है या लैपटॉप है तो आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट। जितने भी हमारी संस्था है स्टूडेंट लिब्रे ऑफिस से ही पढ़ाती है, क्योंकि ट्रिपल सी का जो सिलेबस है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बेसिस पे है। बताना आप सभी को कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है बताइए आप सभी। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है इसमें, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डॉट ओडीपी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज यू कैन ऐड टू अ स्लाइड। आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे स्टूडेंट्स। और आप सभी का जो भी बच्चों का एग्जाम आपने अगर तैयारी नहीं किया है अभी तक भी, तो आप सभी के क्लास के डिस्क्रिप्शन में, ये जो क्लास चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सभी क्लासेज को आप देख लीजिए। 100% स्टूडेंट आप ट्रिपल सी में फर्स्ट बार में ही पास आउट जरूर हो पाएंगे, लेकिन सभी क्लासेज को आप सभी को देखना होगा। तो बताना आप सभी को, क्वेश्चन कह रहा है इसमें व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज यू कैन एड टू अ स्लाइड। आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं आप सभी को बताना है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 10 जोड़ सकते हैं स्टूडेंट। जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन ए स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशंस में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है रिहर्सल, ऑप्शन नंबर बी है स्लाइड टाइमर, ऑप्शन नंबर सी है स्लाइड टाइमिंग टूल और ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड टूल। तो आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इज करेक्ट आंसर, ओके स्टूडेंट। अगला प्रश्न स्टूडेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्लाइड ट्रांजिशन। तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन
है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो अ स्लाइड शो। ओके, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला पार्टिसिपेंट से बाय व्हाट नेम्स डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बाय व्हाट नेम्स डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टाइटल स्लाइड से जानते हैं इस पर। ओके, तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किस प्रकार का कार्यक्रम है, आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, प्रेजेंटेशन। ओके, तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस मैक्सिमम जूम इज अप टू पर सेंट, बताना आप सभी को लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है। तो बताना ये बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, वेयर डज द जूम ऑप्शंस अपीयर इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जूम का विकल्प कहाँ दिखाई देता है। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्टेटस बार, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 3000%। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न स्टूडेंट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड, तो प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज अभी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिएगा। इसमें आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है। क्वेश्चन को बी केयरफुली पढ़िए, उसके बाद ही आप समझिए, उसके बाद आप सभी करेक्ट ऑप्शन लाइव चैट में बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस पी। ओके स्टूडेंट, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डिफॉल्ट शीर्षक नाम क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अनटाइटल्ड वन। अगला प्रश्न स्टूडेंट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन प्रेजेंटेशन, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो प्रेजेंटेशन के में प्रिंट पूर्वावलोकन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ 12। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, वेयर इज द ऑप्शन ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन प्रेजेंट, स्लाइड ट्रांजिशन का विकल्प कहाँ मौजूद होता है, आप सभी बच्चों को बताना, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का न्यूनतम जूम आकार क्या होता है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 5%। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मेनूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने मेनू होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 10 मेनूज होते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, द शॉर्टकट की टू एग्जिस्ट प्रेजेंटेशन इज, तो प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ESC। अगला प्रश्न है, इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस इफ द शॉर्टकट की ऑफ टेक्स्ट इंक्रीज इज कंट्रोल प्लस एरो, हाउ मच जूम इज द टेक्स्ट वंस प्रेस्ड द की, तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में यदि टेक्स्ट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है तो एक बार कुंजी दबाने पर टेक्स्ट कितना जूम करता है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 4। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस ई कमांड। कंट्रोल प्लस ई कमांड इज यूज्ड फॉर इन पावर पॉइंट। बताना आप सभी बच्चों को कि अगर आप कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करते हैं स्टूडेंट तो कौन सा प्रयोग होता है, बताइए आप सभी। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सेंटर अलाइन के लिए स्टूडेंट कंट्रोल प्लस ई का हम प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको सेंटर में लाना है तो आपको पहले सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो सेंटर अलाइन में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न स्टूडेंट, देयर इज नो ट्रांजेक्शन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं होता है, तो बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, फ्लाई इन। अगला प्रश्न है यूजिंग विच ऑप्शन डू यू ऑल द स्लाइड्स सिमल्टेनियसली। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, किस विकल्प के प्रयोग से सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देती है, तो बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्लाइड सॉर्टर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पावर पॉइंट नोएज इन लिब्रे ऑफिस। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, व्हाट इज द पावर पॉइंट नोएज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को क्या कहते हैं, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इम्प्रेस। अगला प्रश्न है दिस शॉर्टकट की इज यूज टू एड न्यू स्लाइड्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस एम इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड। तो पहली स्लाइड में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी। होम का भी प्रयोग किया जाता है इसमें, और कंट्रोल प्लस होम का भी यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू नेविगेट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बताना आप सभी को। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी साथी और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके इसमें। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑप्शन विल बी यूज टू रिपीट द स्लाइड शो कंटिन्यूसली। स्लाइड शो लगातार दोहराने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा, तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लूप का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। ओके, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग विल यू यूज टू ऑर्गेनाइज और सॉर्ट इन अ स्लाइड। स्लाइड को व्यवस्थित या छोटा करने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे इसमें, मतलब किसका उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे, तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इज अ स्लाइड यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड्स। अन्य स्लाइड के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग की जाने वाली स्लाइड है, तो कौन सी ऐसी स्लाइड है इसमें, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मास्टर स्लाइड इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है विच ऑप्शन विल बी यूज टू रिमूव स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा, तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नॉन ट्रांजिशन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर्स आर मेड प्रेजेंशन इन लिब्रे ऑफिस। तो निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स विच ऑफ द फ्लोइंग अलाइनमेंट इज नॉट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है, तो बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जस्टिफाई स्टूडेंट्स लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स विच की विल बी यूज टू मूव ऑन द प्रीवियस स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाएगा, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी।
इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पेज अप का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्री ऑफिस इम्प्रेस? लिब्री ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट पर पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लैंड एस्केप इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर इन लिब्री ऑफिस इम्प्रेस? तो लिब्री ऑफिस इम्प्रेस में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 10 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परफॉर्म अ स्लाइड शो? तो स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, F5 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विच व्यू लिब्री ऑफिस इम्प्रेस कंटेंस ओनली टेक्स्ट? तो लिब्री ऑफिस इम्प्रेस के किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है, तो बताना है आप सभी को, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आउटलाइन व्यू इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, वी शुड यूज टू व्यू ऑल द स्लाइड्स ऑफ लिब्री ऑफिस इम्प्रेस इक्वली? लिब्री ऑफिस इम्प्रेस की सभी स्लाइड्स को समान रूप से देखने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए, तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लिब्री ऑफिस इम्प्रेस डिजाइन टेम्पलेट इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडआउट्स इन अ पेज? एक पेज में हैंडआउट की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो बताना आप सभी को, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 9 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओके। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी गो डायरेक्टली टू द मेनू व्हाइल द स्लाइड इज रनिंग? तो स्लाइड के चलने के दौरान हम सीधे मेनू में कैसे जा सकते हैं, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बाय राइट क्लिक ऑन द स्लाइड इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इन विच मेनू इज द इंसर्ट स्लाइड ऑप्शन अवेलेबल? तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इंसर्ट स्लाइड का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, स्लाइड इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेनू ऑफ लिब्री ऑफिस इम्प्रेस? निम्नलिखित में से कौन लिब्री ऑफिस इम्प्रेस के एडिट मेनू का विकल्प नहीं है, तो बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पेज सेटअप इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो अगली स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कैन एन एक्शंस बटन बी एडेड टू अ स्लाइड बाय द एक्शंस बटन कमांड ऑफ द मेनू? क्या मेनू के एक्शन बटन कमांड द्वारा स्लाइड में एक्शन बटन जोड़ा जा सकता है, तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या होगा, तो बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 96 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन अ स्लाइड, तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन अ स्लाइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्री ऑफिस इम्प्रेस? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, लिब्री ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है, बताइए ये आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 6। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फ्लोइंग साउंड फाइल कैन बी एडेड टू लिब्री ऑफिस इम्प्रेस? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि फाइल लिब्री ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ी जा सकती है, तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, .wav। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, डिफाइन बाय मास्टर हैंड आउट, तो मास्टर हैंड आउट द्वारा परिभाषित, तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ले आउट ऑफ हैंड आउट इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अ डुप्लीकेट स्लाइड? तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फ्लोइंग व्यूज इज नॉट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है, तो बताइए आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, शॉट और व्यू इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग टाइम कैन बी सेट फॉर इज ऑब्जेक्ट, निम्नलिखित में से उस किसके द्वारा प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए समय निर्धारित किया जा सकता है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, स्लाइड शो स्लाइड ट्रांजेक्शन इज करेक्ट आंसर। ऐश्वर्य आज क्लास आप सभी को कैसा लगा, 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार आए हैं या पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इसमें बेल आइकन को ऑल पे आपको क्लिक करना है, तभी आप सभी को साइड नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाएगा। और 30% अगर कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल जाएगा इसमें, तो इसलिए आप सभी को बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आप किसी भी तरीके की आप सभी को समस्या है, किसी टॉपिक पे आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट में, हम वैसे क्लासेस आप सभी के लिए प्रोवाइड जरूर करेंगे इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।